क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीरता नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर गितन सिंह तो चलिए बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम आगे बढ़ते हैं तो अभी तक क्या देखा हमने अभी तक देखा हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट को देखा हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम को देखा हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ को देखा हमने ठीक है हमने सब टर्मोलॉजी को अच्छे से समझा हमने और मॉर्फोलॉजी में हमने रूट स्टेम और लीफ को हम समझ चुके हैं अब हम आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मॉर्फोलॉजी का जो है इन्फ्लुएंस और फ्लावर मॉर्फोलॉजी। ठीक है ना अब देखिए बेटा

है, तो वो बनना चाहिए ठीक है मैं हमेशा आपसे कहता हूं बेटा कि ये प्रतियोगिता है ये इलेवंथ और ट्वेल्थ का एग्जाम नहीं है ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है यहां पर कॉम्पिटिशन होता है और इसलिए हर प्रश्न का फर्क पड़ता है ठीक है बेटा इसलिए जो हमें मैंने कहा ना कि वी शुड गो लिटिल बियॉन्ड जोन से थोड़ा बाहर निकलते हैं हम और हम हर चीज को ऐसे तैयार करते हैं कि कोई कुछ भी पिछले दस साल के प्रीवियस एग्जाम में जो कुछ भी पूछना है पूछ ले हमसे हमें सबके आंसर आना चाहिए तो हम आने वाले एग्जाम को भी फोड़ कराएंगे जबरदस्त तरीके से और अब बार बायो के कमांडो की सब जगह होगी भरमार मतलब हर कॉलेज के अंदर टॉप से टॉप कॉलेज के अंदर बायो के कमांडो जो है पहुंचेंगे 2020 में जो है के रिजल्ट में मालूम चला अभी कि अपग्रेडेशन में हमारे एक स्टूडेंट को जो है एम्स दिल्ली भी मिल गया है के तो बात इतनी सी है कि हिम्मत करते हैं ना जोश के साथ चलते हैं तो क्यों नहीं होगा होगा के देखो मिसालें ऐसे ही बनती हैं बेटाना है के एक बार बस पूरे शिद्दत से कोशिश कीजिए मंजिल अपने आप आपके पास आएगी चलो तो कंटिन्यू करते हैं इसमें हम तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में मैंने आपसे कहा था बेटा कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टैक्सोनॉमी और उसमें मैंने कहा था लीफ की मॉर्फोलॉजी डिटर्मिनेंट मॉर्फोलॉजी होती है जो न, जिसमें कि जिस बहुत अधिक करेक्टर ऐसे होते हैं काफी करेक्टर ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन रहते हैं इसलिए लीफ की टैक्सोनॉमी इज वेरी लीफ का मॉर्फोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी टैक्सोनॉमी के तो हम काफी जो है अब स्टेम और रूट में क्या अंतर था तो मैंने नोड और इंटरनोड के बारे में आपको बताया था नोड वे स्थान होते हैं यहां से लिफ निकलती है ठीक तो है तो एक काम करते हैं आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा और अभी आपको सबको प्रश्नों के उत्तर देने क्योंकि आपके बायोमीट्रक्स के एप्लीकेशन में बायोमिट्रस के वेबसाइट में कमेंटिंग ऑप्शन आ चुका है अभी आपके पास पूरा का पूरा जो है सिस्टम है जो यूट्यूब पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको तो आप वहां पर भी कमेंट करके आंसर दे सकते हैं ठीक है ना चलिए तो क्वेश्चन नंबर वन आपके लिए तो पहला क्वेश्चन जो एक चॉकलेट के लिए वो क्वेश्चन ये है आपको बतलाना है इन पिक्चर प्लांट पिक्चर इज दोडिफिकेशन ऑफ के पिक्चर प्लांट में पिक्चर पिक्चर इज दोडिफेशन ऑफ पिक्चर प्लांट में पिक्चर किसका मोडिफिकेशन होता है लीफ का कौन सा है देखो ये तो पक्का है कि लीफ का होता है पर लीफ का कौन सा भाग जो होता है पिक्चर प्लांट में पिक्चर बनाता है ठीक है क्लियर पिक्चर प्लांट में पिक्चर जो है वो लीफ के किस पार्ट का मोडिफिकेशन होता है आपको बतलाना ब्राउन सीरीज क्या होता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ शिम्पर शिम्पर, ब्राउन सीरीज क्या होता है इसका संबंध किस प्रकार की फाइलोटेक्सी से होता है मीनिंग ऑफ ब्राउन सीरीज? इसका संबंध किस प्रकार की फाइलोटेक्सी से होता है क्लियर ठीक है नंबर थ्री आपको बताना है व्हाट इज फाइलोड फाइलोड क्या होता है और इसका आपको जो है वो एग्जाम्पल भी देना है आपको थेके? फाइलोड क्या होता है इसका आपको एग्जाम्पल भी देना है ठीक है क्वेश्चन नंबर व्हाट ब्रेक्ट ब्रेक्ट क्या होता है ठीक है पिक्चर किसका मोडिफिकेशन है सिंपल राउंड सीरीज जो है वो क्या होता है किस तरह की फाइलोटेक्सी में देखने मिलता है फाइलोड क्या होता है उसका एग्जाम्पल क्या है ब्रेक्ट क्या होता है ठीक है क्लियर आगे बढ़ते हैं

किस प्रकार का लीफ बेस के ये हम यहां पर लिफ बेस देख रहे हैं ये आपको इस इमेज में दिखाया गया लिफ बेस किस प्रकार का है, के? किस प्रकार का लीफ है? फिर आपको बताना है एग्जाम्पल ऑफ पल्वीनस एनसीआरटी का एग्जाम्पल देना है पलवीनस लीफ बेस का एग्जाम्पल देना है आपको जो एनसीआरटी में दे रखा है वो देना है आपको ठीक है ठीक है फिर आपको बतलाना है कि दिए गए इमेज के अंदर जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ये किसका इट दी मोडिफिकेशन ऑफ मोडिफिकेशन ऑफ ठीक है किसका मोडिफिकेशन है और इसका एग्जाम्पल क्या है ठीक है किसकी लीफ है है दिया गया जो इमेज है बेटा इसमें जो हां मैंने एरो लगाया बताना है किसका मोडिफिकेशन है ये और इसका एग्जाम्पल क्या है ये आप बताएंगे मॉर्फोलॉजी में मैं आपसे ज्यादा क्वेश्चन करता हूं उसके पीछे कारण यह कि ये याद करने का है यदि हम बार 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 रिकॉल नहीं करेंगे तो बेटा भूल जाएंगे इसको हम ठीक है ना क्लियर फिर बताइए द गिवन स्ट्रक्चर पहचानिए क्या है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर दिया गया स्ट्रक्चर क्या है गिवेस्ट क्या है बेटा ये दिया गया स्ट्रक्चर किसका मोलिफिकेशन है क्या बोलते हैं इसको क्या नाम है इसका ये आपको बतलाना है ठीक है क्लियर फिर आपको बताना है का बी एंड सी जो बी और सी लीफ बनी हुई इसमें किस तरह का विनेशन है देखिए ध्यान से विनेशन को पहचानिए और बतलाइए ठीक है एनसीआरटी का इमेज है फिर आपको बताना है बेटा कंपाउंड लीफ है तो लीफ को आप कंपाउंड लीफ यानी जो जो आपको यहां पर कंपाउंड लीफ दिखाई पड़ रही है तो इनको पहचानिए लीफ पिनेटली कंपाउंड है बी लीफ पिनेटली कंपाउंड है या पामेटली कंपाउंड है पहचानिए और बतलाइए क्लियर ठीक है अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा यहां पे आपको बताना है बेटा ये ये हिस्सा इसका क्या कहलाता है और ये हिस्से इसके क्या कहलाते हैं ठीक है क्लियर पहचानिए बताइए आप कि बीचों बीच वाला हिस्सा क्या कहलाएगा इसमें जो छोटे छोटे लीफ दिखाई पड़ रहे उनके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं ठीक है है ना फिर आपको पहचानना है आइडेंटिफाई अरे भाई वर्कबुक का इस्तेमाल कर सकते हो इसके लिए आप आइडेंटिफाई फाइलो टैक्सी आइडेंटिफाई कीजिए ए बी और सी किस तरह का फाइलोटैक्सी आपको बताना है ए बी और सी फाइलोटैक्सी को आइडेंटिफाई करना है ठीक है कमांडोस पक्का ये देखो बेटा ये मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ये जो पूछ रहा हूं ना ये इसका आंसर देना पड़ेगा आपको ठीक है और बुक पलटे बगैर जो तो मेमोरी में है ना उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए ठीक है ना कितना याद रहा हमको फिर हमें यहां पर मोडिफिकेशन दिखाई पड़ रहे हैं लीफ के ए बी और सी ठीक है ना ए बी और सी इनका पर्पज क्या वॉट इज यानी टेंड्रिल का फंक्शन क्या होता है ठीक है स्पाइन का क्या फंक्शन होता है ठीक है फ्लैशी लिप्स क्यों बनती है ऑनियन में इसका भी फंक्शन क्या होता है क्यों बनती है के तो देखो आपके एनसीआर दे रखा, को, तो को है, आपको, स्पाइन है, रखा है, है क्या फंक्शन है इसका? क्लियर? ना पक्का चलो आगे बढ़ते हैं ना, अब यही पूछूंगा पर बता देता हूं कि इस इमेज में आपको जो उभरा हुआ हिस्सा दिखाई पड़ रहा है ना दिस इज दी टेंड्रिल क्या है बेटा टेंड्रिल है ये ठीक है ना क्लियर आरोहण में हेल्प करता है क्लिमिंग प्लांट में हेल्प करता है ठीक है ना फिर आप देख रहे हैं ये है पिचर प्लांट नेपेंथस का का है 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 और आपको मैंने पूछा ऑलरेडी क्वेश्चन कि किस लीफ के पार्ट का होता ठीक है ना चलिए तो अब शुरू करते हैं बेटा हम आज का हिस्सा के आज के पोर्शन पे आते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा इसके लिए हिंदी में वर्ड यूज करते हैं पुष्पक्रम हिंदी में इसको बोलते हैं हम पुष्प क्रम कहते हैं हिंदी में इसके लिए हम पुष्प क्रम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं मतलब फूलों का सीक्वेंस हिंदी वर्ड कितना अच्छा है बोलता है पुष्प मतलब फ्लावर क्रम मतलब सीक्वेंस यानी स्टेम के ऊपर फ्लावर के सीक्वेंस को हम इनफ्लोएसेंस कहते हैं कि है इज इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द स्टेम पर फ्लावर का अरेंजमेंट किस प्रकार का है किस प्रकार की गुच्छे में वो मिलते हैं वो इन्फ्लुएंस को शो करता है हिंदी वर्ड है इसका पुष्पक्रम पुष्प का क्रम फ्लावर का अरेंजमेंट ऑन द स्टेम नाम खुद ही बोल रहा है कि मैं कौन हूं ठीक है ना ठीके? तो कई जगह पे ये दिमाग में रखिएगा चीज को आप ठीक है चलिए देखो क्या देख रहे हो

एंटेमोफिलस एंटोमो फिलस फ्लावर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट यह बड़ी पॉपुलर मेथड तो ऐसे इंसेक्ट जो परागण में हेल्प करते हैं ऐसे फ्लावर जो जो आ, कीटों के द्वारा परागित होते हैं वो दोनों का इंसेक्ट का और इन फ्लावर का साथ में होता है को इवोल्यूशन ये वाला हिस्सा को इवोल्यूशन होता है, 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 है। मतलब ऐसे फ्लावर जो कीटों से परागित होते हैं और ऐसे कीट जो इन पर डिपेंडेंट है वो एक साथ ही इवॉल्व हुए ठीक है थीके? ये लेटेस्ट और एडवांस मेथड है मोस्ट इफेक्टिव मेथड है नेचर के अंदर ये, ठीक है अब कई लोग बच्चों के दिमाग में यार बोल दिया पॉलिनेशन बताया तो है नहीं कि ये होता क्या है अरे भाई सिंपल सी बात है बेटा कि ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू तो दी स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन अरे बापू क्या चीज हो गया या? कहने का मतलब यह है बेटा कि परागकण जो होते हैं जो मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जो मेल कंपोनेंट होता है वो उसका मेल पार्ट का फीमेल हिस्से तक पहुंचना वो पॉलिनेशन कहलाता है ठीक तो है तो पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पॉलिट्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू दी स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर स्टिग्मा फीमेल पार्ट है एंथर मेल पार्ट है जब फ्लावर मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे डिटेल में तब उस पर बात करेंगे हम ठीक है अभी हमने क्या कहा हमने कहा कि जो छोटे फ्लावर होते हैं ना इनको इंसेक्ट को अलग से अट्रैक्ट करने के लिए गुच्छा बनाना पड़ता है झुंड बनाना पड़ता है इसलिए हमको ये पुष्प क्रम इन्फ्लूसेंस के रूप में झुंड के रूप में हमको ये दिखाई पड़ते हैं आप देख रहे हैं यहां पे कई सारे फ्लावर प्रेजेंट है यहां पे, और याद रखिएगा जो इन्फ्लूसेंस होता है उसमें जो स्टेम है जो स्टेम जो इन्फ्लूसेंस के अंदर जो हमको स्टेम दिखाई पड़ रहा है स्टेम दिखाई पड़ रहा है स्टेम के एक्सेस को बोलते हैं रैकिस इसके लिए भी हम रैकिस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं क्या वर्ड यूज करते हैं रैकिस वर्ड यहां पर भी हम यूज करते हैं ठीक है देखिए आप है ना ये भी क्या है ये भी जो है हम देख रहे हैं कि ये ये जो है वो ये भी एक से किसा पुष्प कल अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्या होता है अंबल इन्फ्लुसेंस क्या होता है हेड और तो देखो हमारे एनसीईआरटी में उन्होंने केवल दो ही तरह के इन्फ्लुस रखे हैं रेसिमोस और साइमोस इन्फ्लुएस लेकिन थोड़ा सा हमको रेसिमोस के बारे में जानना पड़ेगा और साइमोस के बारे में भी जानना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए और वन ऑफ द वेरी पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है ये बेटा ठीक है ना

गेंदे का फ्लावर देख रहे हैं आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं ना बेटा ये ये फ्लावर देख रहे इट इज नॉट ए सिंगल फ्लावर नॉट ए सिंगल फ्लावर ठीक है ये एक फ्लावर नहीं है रिमेंबर के जो गेंदा है जो आपको गेंदा दिखाई पड़ रहा है जो आपको मैरीगोल्ड दिखाई पड़ रहा है ये एक सिंगल फ्लावर नहीं है इट इज ए इनफ्लोरेसेंस इट इज ए Influence, ये एक influence है और इसको बोलते हैं में जब कभी होती है, तो पंडित जी गेंगते तोड़ -तोड़ वो, वो भगवान में डालते हैं आपने देखा कभी वो ऐसा नहीं करते किसी और देखो कभी वो जो है ऐसे दूसरे फ्लावर को नहीं तोड़ेंगे जैसे लोटस है कमल का फ्लावर है पूरा चढ़ाते भगवान को लेकिन गेंदा तोड़ तोड़ के वो हैं क्योंकि गेंदे का एक फ्लावर जो होता है उसमें कई सो की संख्या में फ्लावर, तो फ्लावर like सूरजमुखी सनफ्लावर है ना वो भी एक फ्लावर नहीं है वो बंच ऑफ फ्लावर है पूरा एक जो दिख रहा है ना वो फ्लावर का गुच्छा है पूरा वो इनफ्लुएसेंसिटल ऑफ इन्फ्लुस कहते हैं उसको अभी हाल ही में मेरी एक सिस्टर इन ला है जो यूएसए में रहती हैं अमेरिका में और उन्होंने वहाँ से अमेरिका से जो है वो इंजीनियरिंग किया हुआ है वहाँ पर एम किया वहाँ से उन्होंने तो उनका भी अमेरिका में ही मैरिज हुआ अभी लॉकडाउन के चलते बहुत सारा ट्रैवल नहीं कर पाए हम लोग को भी उन्होंने कहा था लेकिन क्या है कि परमिशन ही नहीं है यानी अभी इस समय इंटरनेशनल ट्रैवल कर पाना बहुत मुश्किल है तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने वहाँ पर इंडियन अब इंडियन लोग हैं भारतीय तरीके से शादी होगी लड़का भी इंडियन है वो जब वहाँ मैरिज उनका हुआ

लिटिल इंडिया करके वहां पे मिल जाएगी आप ऑर्डर कर दोगे तो इन्होंने एक दिन पहले ऑर्डर किया कि भैया गेंदे के फूल की दो माला चाहिए हमको और कुछ खुले फूल चाहिए तो बता रहे थे मेरे को वो फोन लगा के जिया जी, जी, जी ऐसा है कि जब वो फूल बुलाए ना तो उसकी कॉस्ट जो है इंडियन करेंसी में गेंदे के एक फूल की कॉस्ट एक गेंदे के फ्लावर की कॉस्ट इंफ्लुसेंस बोल रहे हैं इसको आज हम उसकी एक पूरा का पूरा जो जो एक फ्लावर दिखाई पड़ रहा है उसकी जो कॉस्ट है वो अमेरिकन जो इंडियन करेंसी में देखें तो वो तीन सौ रुपए के आसपास थी तकरीबन चार डॉलर के आसपास का एक फ्लावर था और जो माला थी वो तकर सौ सो, सो डेढ़ सौ डॉलर के आसपास की माला थी बताए थी कि दस बीस बीस, बीस पच्चीस हजार रुपए के तो केवल गेंदे के फूल आए मतलब जिसको हम यहां पर जो है सड़क चलते हैं सड़क से तोड़ लेते हैं इधर उधर बिखेर देते हैं बगीचे में खेलते खेलते तोड़ लेते हैं यानी गेंदा तो हमारे यहाँ पे जो है वो बड़ा कॉमन है लेकिन अमेरिका में देखो उसका भी किस्मत बदल गई क्योंकि वहां उगता नहीं नॉर्मली नॉर्मली उगाते नहीं लोग वहां अलग तरह के फ्लावर फैंसी है वायोला है अलग अलग फ्लावर वहां पर जो लोग उगाते हैं ऑर्किड्स हैं तो यहाँ वो लेकिन हमारे यहाँ पे तो पूजा पाठ में इस तरह का फ्लावर इस्तेमाल किया जाता है ठीके? क्योंकि गेंदे का फ्लावर जो है वो एक अब ये कहानी सुनाई तो कहानी दिमाग में रखना था कि साथ में एक काम की बात दिमाग में डाल लेना वो ये है कि जो मैरीगोल्ड है वो एक सिंगल फ्लावर नहीं है सनफ्लावर एक सिंगल फ्लावर नहीं है वो इन्फ्लूसेंस है और एग्जाम में पूछा गया है बेटा ठीक है है है। तो कहने का आप भी हैं। तो पूरी की पूरी मॉर्फोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है बहुत सारे हुए। तो ये जो आप देख रहे हो सूरजमुखी आपको बता दूं मैं कि ये फ्लावर जो है ये फोटोग्राफ मेरा लिया गया फोटोग्राफ आपको और भी दिखाऊंगा एविडेंस के तौर पर कौन कौन से फोटोग्राफ लिए उठ के तो हम देख रहे हैं मैरी गोल्ड है मैरी सनफ्लावर सनफ्लावर जो है इसमें यह एक फ्लावर यह एक फ्लावर यह एक फ्लावर हर एक हिस्सा उसका एक फ्लावर एट के ये क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं रे फ्लोरेट ये रे फ्लोरेट है और बीच वाले कहते हैं डिस्क फ्लोरेट हर एक एक फ्लावर है डिस्क फ्लोरेट अब आप देखिए मतलब हर एक हिस्सा एक सिंगल फ्लावर है इसका यूनिट है वो तो ये भी एक ये फ्लावर नहीं है ये ये है समझ गए चलिए अब आते द प्लांट भाई देखो फ्लावर फ्लावर, फ्लावर का जो इन्फ्लुसेंस है फ्लावर का जो टाइप है दैट इज आल्सो वेरी वेरी डिटरमिनेंट कैरेक्टर और इसका इस्तेमाल हम जो है वो टैक्सोनॉमी में करते हैं याद रखिएगा फ्लावर कैरेक्टर आर वेरी वेल कंजर्व सुनना बात ध्यान से यहां पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिविंग वर्ल्ड वो हिस्सा जोड़ रहा हूं मैं जो फ्लावर कैरेक्टर होते हैं दे आर वेरी वेल कंजर्व मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर जो है वो एक स्पीसीज में काफी हद तक कंजर्व रखी जाती है उस संरक्षित रखी जाती है और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो एक प्रजाति के काफी अधिक संरक्षित रखे जाते हैं उनमें ज्यादा बड़ा परिवर्तन उनमें नहीं होता है ठीक है तो इसका मतलब यह है कि टैक्सोनॉमी में हम क्या यूज करते हैं हम टैक्सोनॉमी में क्या यूज करते हैं फ्लोरल जो है फ्लावर या हम बोलते हैं इसको हम ऐसा हैं फ्लोरल फॉर्मूला यूज करते हैं हम फ्लोरल फॉर्मूला यूज करते हैं ठीक है फ्लोरल डायग्राम यूज करते हैं ये सब पढ़ेंगे आगे हम के ये सब यूज करते हैं ना हम वर्गीकरण जब करते हैं टैक्सोनॉमी करते हैं प्लांट का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हम जब एक पौधे का हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना तो उसमें हम बकायदा मेंशन करते हैं कि उसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या है उसका फ्लोरल डायग्राम क्या है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो जब फ्लावर इंपॉर्टेंट है तो जाहिर सी बात है इन्फ्लूसेंस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ध्यान से बात सुनिएगा बेटा फंडा क्लियर रखिए दिमाग में एकदम द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन ए स्पेशलाइज ब्रांच जिसमें फ्लावर लगता है ऑन द टॉप ऑफ द प्लांट व्हिच बी फ्लावर इज कॉल्ड इन्फ्लुएसेंस ठीक है ना जो आ, जो इंफ्लूसेंस है उसका आधार के जैसे मैंने क्या कहा ये इंफ्लुसेंस का आधार वृंत हो गया ये ठीक है इस पर यहां लगे हैं फ्लावर ये लगे हैं फ्लावर ठीक है इमेजिन किया हमने ये छोटे छोटे से फ्लावर यहां पर लगे हुए हैं ठीक है ना तो हमने क्या कहा हमने कहा ये तो हो गए बेटा फ्लावर्स ये हो गया है पेडनकल और ये जहां फ्लावर लगे उस अक्स को बोला हमने रैकिस तो कंफ्यूज मत करना बेटा रैकिस इज

पढ़ना तो पड़ेगा बेटा है ना एग्जाम में निकालना देखो कोई भी चीज जब बोर लगे ना तो ये सोच लिया करो उसको कि दवाएं जो होती है कड़वी दवाएं जो होती है ना वही बीमारी ठीक करती है ठीक है तो जो बोरियत है ना वो हिस्सा पढ़ोगे तो बाकी बच्चे गलती करके आएंगे आप सही करके आओगे समझ गए चलिए तो देखो अब एनसीआर क्या बोलता है ए फ्लावर इज ए मोडिफाइड शूट एक फ्लावर जो होता है वो एक मोडिफाइड होता है तने का रूपांतरित हिस्सा होता है वेर इन दिस एपिकल स्टेम चेंजेस टू ए फ्लोर के तने में जो एपिकल मेस्टम होता है जो एपिकल बर्ड होती है वो फ्लोरल मेस्टम में, में कन्वर्ट आती है कन्वर्ट आती है और फ्लावर को वो प्रोड्यूस करती है इंटरनोट डू नॉट इलोंगेट इंटरनॉट इलोंगेट नहीं होते हैं और एक्सेस छोटा जाता है और इसलिए फ्लावर की जो पंखुड़ियां निकलती हैं जो फ्लावर की जो के जो पैटर्स होती है फ्लावर में जितनी भी चीज़ें निकलती हैं ना वो सब लीफ का मोडिफिकेशन होती है क्योंकि फ्लावर का एक्सेस जो होता है वो स्टेम का मोडिफिकेशन है और जो जो दूसरे पार्ट निकले होते हैं कैलिक्स करोला एंड्रोशियम गाइनोशियम जो फ्लावर के हिस्से होते हैं वो लीफ वो लीफ का मोडिफिकेशन होते हैं ठीक है ठीके?

ठीक है ये फ्लावर का स्टॉक है इसको बोला हमने पेटी सेल बोला फिर फ्लावर का ऊपरी ब्रॉड हिस्से को क्या बोला इसको हमने इसको इसको बोला बोला हमने हमने थैलेमस ये दोनों के दोनों स्टेम के मोडिफिकेशन है स्टेम से मोडिफाई फिर कायदे में इनमें क्या होता है इनमें नोड होते हैं कि उन नोड से क्या होता लीफी है लीफी स्ट्रक्चर निकलते हैं तो सबसे पहले क्या निकला सबसे पहले ऐसा निकला ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर निकला फिर उसके बाद क्या निकला हमने कहा कि फिर देखो हमको हमने बनाया ऐसा हमने कहा कलरफुल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा हमें यहाँ पे ये ठीक है फिर क्या दिखाई पड़ा हमें हमें यहाँ पर मेल पार्ट दिखाई पड़ा फिर क्या दिखाई पड़ा हमें यहाँ पे फीमेल पार्ट दिखाई पड़ा हमें यहाँ पे ठीक है बन गया फ्लावर ये फ्लावर का लॉन्गिट्यूडल सेक्शन इट इज दी लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ फ्लावर और ये हम लेवलिंग करें इसकी हम तो बोलेंगे कि ये हो गया है कैलिक्स ये कोरोला हो गया है ये हो गया एंड्रोसियम और ये कैलिक्स हो गया ये करोला हो गया ये हो गया बेटा एंड्रोसियम और ये हो गया है गायनोशियम ठीक है कैलिक्स एंड गाइनोशियम दिखाई दिखाई पड़ा दिखा पड़ा कंप्लीट फ्लावर हमें के तो वो कह रहा है कि देखो भाई जो आप पढ़ोगे फ्लावर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा चिंता मत कीजिए अभी अभी घबराइए मत के के अभी सुन लीजिए कि जो फ्लावर के अंदर जितने भी हिस्से आपको दिखाई पड़ते हैं ना दे ऑल आटके यदि हम बात बात करें कि वे सारे के सारे जो हिस्से होते हैं वे हिस्से जो है वो लीफ के मोडिफिकेशन बनते हैं नोड से निकलते हैं और फ्लावर का जो एक्सेस होता है वो स्टेम का मोडिफिकेशन होता है ठीक है एनसीआरटी का पूरा पैराग्राफ सिर्फ इसी बात को वो एक्सप्लेन कर रहा है या समझा रहा है उसको ठीक है ना बेटा क्लियर ठीक है तो पैराग्राफ को ध्यान से देखिए एक बार और हम आगे बढ़ते हैं ठीक है बेटा ओके चलो आगे बढ़ते हैं आप वेन ए शूट टिप ट्रांसफॉर्म इन टू फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी देखो ऐसा नहीं कि फ्लावर हमेशा जो ग्रुप में होते हैं कई बार फ्लावर सिंगल सिंगल भी होता है कि हम कहते हैं बेटा कि जब एक शूट टिप एक फ्लावर में कन्वर्ट होता है उस तो हम क्या बोलते हैं कि वो हमेशा फ्लावर आपको एकल दिखाई पड़ेगा सोलिट्री फ्लावर बोलेंगे फ्लावर सिंगल होगा यहां पर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्मलेस ठीक है फ्लावर एक्सेस जिसको हम रेकिस भी कहते हैं फ्लावर एक्सेस होता है बेटा जो जो फ्लावर एक्सेस है जो इन्फ्लोसेंस का जो आधार हिस्सा है उस पर फ्लावर एक्सेस पर जो है वो देखो बेटा तो इंफ्रो, स के अंदर वाला भाग भाग हो गया थाके? तो हम क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि फ्लावर एक्सेज स्टेम का एक ऐसा भाग जहां पर फ्लावर अपने आप को प्रॉपरली अरेंज किए होते हैं मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द द स्टेम इज नोन एज उसके लिए हम वर्ड का यूज करते हैं ठीक है तो देखिए एंड इन्फ्लूसेंस कैन बी डिफाइंड एज द शूट सिस्टम व्हिच सर्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर एंड व्हिच इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली के मतलब Influence, तना तंत्र का शूट सिस्टम का वो हिस्सा होता है शूट सिस्टम का वो हिस्सा होता है जो फ्लावर के लिए बनाने के लिए अपने आप को मॉडिफाई करता है और वहां पर फ्लावर का फॉर्मेशन होता है तो हम कह सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द्लॉव फ्लावर एक्सेस इन्फ्लू मतलब अब जो शूट सिस्टम का जो हिस्सा जहां पर फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ है उसको हम क्या बोल रहे हैं हम उसके लिए इन्फ्लूसेंस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं हम कह रहे हैं द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ठीक है ना? मतलब एक actually क्या होता है? ये तने पर व्यवस्थित का का एक का, फ्लावर का एक गुच्छा होता है ग्रुप होता है। देखो बेटा सिंगल फ्लावर होगा तो सोलिट्री फ्लावर बोलेंगे एकल फ्लावर बोलेंगे हम, ठीक है ना? वो solitary फ्लावर जैसे हम देखते हैं रोज में, रोज में एक सिंगल फ्लावर लगता है solitary फ्लावर है उटके. लेकिन यहां पर क्या बात कर रहे हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जब फ्लावर स्टेम पर फ्लावर गुच्छे में लगेगा ग्रुप में लगेगा तो उसमें एक मेन ब्रांच पर एक कॉम्पलीटेड अरेंजमेंट आपको देखने मिलेगा ठीक है और उसी के बोलेंगे उसको हम हम उसको बोलेंगे दैट इज ऑफ ऑफ मेन मेन ब्रांच और कॉम्प्लीट अरेंजमेंट द ब्रांचेज स्ट्रिक्टली इट इज दार्ट ऑफ द शूट ऑफ सीड प्लांट कहा जाता है कि जो पुष्प क्रम है इन्फ्लूसेंस वो पौधे के सीड प्लांट के एजुस्ट्रम के तना तंत्र का ही भाग होता है जहां पर फ्लावर बनते हैं क्लियर एकदम क्लियर कि स्टेम का वो हिस्सा जहां फ्लावर बनेंगे अपने आप को अरेंज करेंगे वो कहलाता है इंफ्लुस कहलाता है वो ठीक है

ध्यान से बात ये सब एग्जाम के एमसीक्यू वाले पॉइंट होल्डिंग दी होल मैंने बताया आपको भी इमेज बनाया था याद आपको? के? ऐसा तने का हिस्सा जहां, जिस पर जुड़ा होता है जो, जो का हम स्टॉक बोल सकते हैं इट इज द स्टॉक ऑफ द क्या बोलेंगे पेडनकर बोलेंगे हम ठीक है फिर एंड द होल्डिंग दी फ्लावर्स और मोर ब्रांचेस विथ इन द इनफ्लुस विथ इन द इंफ्लुसेंस ठीक है इस काल कार रैकेस ठीक है ना देखो मैंने कहा था आपसे ये ठीक है हमने कहा था यहां पर फ्लावर लगे हुए ये Sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. ठीक है है ना तो क्या हो गया बेटा देखो समझो बात को ये हो गया है पेडनकल ये हो गया है रैकेस ये हो गया है फ्लावर और ये हो गया फ्लावर का अपना एक्सिस पेडी सेल है ना ठीक है सिंपल डायग्राम जो पूरी बात को साफ साफ करके स्टेम जो की पूरे के पूरे इन्फ्रोसेंस को होल्ड करता है उसका स्टॉक होता, जो जो होता है उसे कहते और हर एक सिंगल फ्लावर के आधार को हम क्या बोलते हैं पेडिसल कहते हैं क्लियर ठीक है ना तो देखो पेडनकल एक सिंपल सा लाइन डायग्राम हमने यहां पे देखा तो बेटा ये फंडा याद रखिएगा

जो कि इन्फ्लूसेंस को सपोर्ट देता है सहारा देता है उसे हम पेडनकल कहते हैं और इन्फ्लूसेंस के अंदर का जो सेंट्रल एक्सेस उसको हम कहते हैं अब आप, आपने देखा होगा ऑनियन प्याज देखा होगा प्याज में क्या होता है ऐसा स्टेम निकलता है जमीन से और इसके ऊपर यहां फ्लावर लगता है देखा आपने ऑनियन का फ्लावर है फ्लावर के तो ऐसा अनब्रांच लीफलेस स्टॉक जो होता है इसे हम स्केप बोलते हैं स्कैप बोलते हैं कहते हैं ठीक है याद रखिए ये हमको ऑनियन में देखने लगता ऑनियन में हमको ये देखने मिलता है स्टॉक इज टर्म स्प वेन लीवलेस अराइजेस फ्रॉम द्राउंड लेवल जो फ्लावर का स्टॉक है वो ग्राउंड से जमीन से निकलता है सीधा लंबा होता है वो और वो कैसा होता है पत्तियां नहीं होती है और उसके ऊपर फ्लावर लगता उसे वो है बेटा उसे बोलते हैं स्कैप कहते हैं ऑनियन में देखने मिलता है दिस इज द स्कैपेटा यह स्कैप है ठीक है ना और ये क्या है ये है फ्लावर क्लियर ठीक है बेटा चलो आप एक इंफ्लूसेंस में फ्लावर है फ्लावर में फीमेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट में ओवरी है ओवरी जो फर्टिलाइज ओवरी होती है वो क्या होती है फल होती है रिमेंबर दी फैक्ट एव जो फ्रूट होते हैं बेटा फ्रूट इज टेक्निकली फर्टिलाइज्ड ओवरी जो सीड होते हैं दे आर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल एक ओवरी के अंदर कई सारे ओव्यूल होते हैं तो एक फल के अंदर कई सारे सीड होते हैं तो देखो अंगूर का जो गुच्छा आप देख रहे हो ना जो आप अंगूर का गुच्छा यहां पर देख रहे हैं

तो हमको दिमागी तौर तैयार रहना है बेटा कि एग्जाम में दिया आता है तो फोड़ के आएंगे करके आंसर करके आएंगे ये नहीं बोलेंगे कि साहब पता नहीं कहां से पेपर दे दिया हमें कोई हमें कोई एक्सक्यूज नहीं देना है हमको रिजल्ट देना है ठीक है इन्फ्लुएंस आर बाय मेनी डिफरेंट कैटिक्स जैसे कि कैसे फ्लावर जो है वो अपने आप को पेडनकल पर अरेंज करते हैं उसके आधार पर डिवाइड करते हैं आपके और फ्लावर का ब्लूमिंग ऑर्डर क्या है बढ़ते हुए क्रम में फ्लावर लग रहे हैं या जो 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 है 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 वो वो नीचे नीचे जो है फ्लावर नीचे की की तरफ फ्लावर ओर और ओल्डेस्ट फ्लावर ऊपर है या यांगेस्ट फ्लावर ऊपर है ओल्डेस्ट फ्लावर नीचे है किस तरह का अरेंजमेंट है एक्रोपेटल अरेंजमेंट है या बेसिपेटल अरेंजमेंट है एक्रोपेटल बोला मतलब यंगेस्ट फ्लावर टॉप पे होगा बेसिपेटल बंगेस्ट फ्लावर बेस के में होगा तो किस तरह का अरेंजमेंट है फ्लावर वो भी समझते हैं यहां पे ठीक चलिए इन्फ्लोरेसेंस यूजली हैव मॉडिफाइड फोलिएज डिफरेंट फ्रॉम दी वेजिटरी पार्ट ऑफ द प्लांट के जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसके आसपास जो लीफ होती हैं वे मॉडिफाइड लीफ होती हैं बेटा और ऐसी लीफ जिनका संबंध इन्फ्लोरेसेंस से होता है जो इन्फ्लोरेसेंस को कवर करती हैं उसके आसपास होती है उन्हें हम ब्रेक्ट कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के

पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं और यंग फ्लावर की सुरक्षा करते हैं के जो कलर्ड ब्रेक्ट होते हैं बड़े साइज के के कलर्ड होते हैं जैसे हमने हमने अंदर देखा था, हमने बोगन देखा था था में वो को जो का मतलब है करने वाले इंसेक्ट उनको वो अट्रैक्ट करते हैं ब्राइट कलर के दिखाई पड़ते हैं तो उनको वो अट्रैक्ट करते हैं और इनमें ये यंग फ्लावर की सुरक्षा करते हैं ठीक है फ्लावर में दो तरह तरह के फ्लावर होते हैं कुछ फ्लावर ऐसे होंगे जिनमें ब्रैक्ट नहीं होगा उन्हें बोलेंगे हम

फिर प्लांट ऑर्गन जो होते हैं उनकी यदि हम ग्रोथ को समझें अब फंडा समझो बेटा क्योंकि मैं चाहूं तो आपको सिंपल सा रेसिमो साइमो जो चार लाइन एनसेट में लिखी बोल के काम खत्म करके आगे बढ़ जाऊं लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको खुशी मिलेगी बहुत खुशी मिलेगी कि चलो हो गया था, पूरा लेकिन प्रश्न नहीं बनेगा एमसीक्यू बुक देखोगे तो बोलोगे यार यार क्वेश्चन तो बन नहीं रहे फिर ऐसी किताब ढूंढोगे जिसमें वो क्वेश्चन ही ना दे रखे हो ऐसी बुक ढूंढोगे फिर मन को संतोष दोगे ये तो से पेपर आएगा पूरा ऐसा मत करो मैंने कहा ना प्रतियोगिता परीक्षाओं में कभी भी ट्रस्ट नहीं करना है। है, है, वो आपका एनिमी है, दुश्मन है। और आप कमांडो हैं। आपको अपने आप को बेटर ट्रेंड करना है हर मामले में ठीक है चलिए कुछ आवाज आ रहा होगा आपको आसपास तो एक्चुअली हमारे यहां पे वो सैनिटाइजेशन वाला मशीन एक आता है बीएमसी का जो पूरा कॉलोनी को सैनिटाइज करके आता है कोरोना के लिए चलिए छोड़ते अभी बात करते हैं कि प्लांट ऑर्गन प्लांट ऑर्गन जो ग्रो करते हैं बेटा वो दो डिफरेंट स्कीम फॉलो करते हैं एक मोनोपोर्डियल और एक सिंपोर्डियल मोनोपोर्डियल मोनो मतलब होता है एक एक सिंगल ग्रोइंग पॉइंट ठीक है सिंगल ग्रोइंग पॉइंट हमेशा प्रेजेंट रहेगा के एक वृद्धि बिंदु हमेशा देखने मिलेगा वो कभी भी कंज्यूम नहीं होगा खत्म नहीं होकर मतलब में वृद्धि के दौरान एक एपिकल बर्ड या एक सिंगल ग्रोथ पॉइंट हमेशा प्रेजेंट होगा वो कभी भी खत्म नहीं होगा ना उस पर कोई फ्लावर लगेगा ना कोई कोई और चीज बनेगी वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा मोनोपोड्रोथ जब कहते हैं सिंपोडियल ग्रोथ तो इसका मतलब यह होता है कि मोनोपोडा ग्रोथ बोला हमने तो हमने कहा एक ग्रोइंग पॉइंट हमेशा रहेगा दिस इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑलवेज प्रेजेंट के हमेशा ये पॉइंट प्रेजेंट रहेगा के लेकिन जब हम कहते हैं सिंपोडियल कहते हैं तो का मतलब होता है कि पर हम जब सिंपोडियल की बात करते हैं तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह की ग्रोथ पैटर्न में क्या होता है कि वृद्धि सीमित होती है एक सर्टेन लंबाई के बाद ग्रोइंग पॉइंट खत्म हो जाता है और एक नया ग्रोइंग पॉइंट बन जाता है ठीक है ये फंडा समझ में आया आप जहां पर जिस जगह पर मैंने आपसे कहा ना देखो ऐसा होगा बेटा यहां पर देखें हम तो मैं आपको बोलूंगा कि यदि हम देखें इसको तो हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे बेटा कि जैसे एक एक मैंने कहा एक, सिंगल ग्रोइंग ये सिंगल ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट है हमेशा ठीक है जब तक ये ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट रहेगा तब तक ग्रोथ होगी तो हमने बोल दिया इनडिटर्मिनेट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट ग्रोथ बोल दिया और यही है मोनोपोडल ग्रोथ यही है मोनोपोडल ग्रोथ के जो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है यही है मोनोपोर्डियल ग्रोथ क्योंकि एक सिंगल ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट है जब तक ये प्रेजेंट रहेगा लगातार ग्रोथ होती रहेगी सुनो समझो ये इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं ठीक है फिर अब ग्रोथ कैसा है बेटा ये ग्रो grow किया ग्रोइंग पॉइंट खत्म हो गया है पॉइंट अब ये पॉइंट काम नहीं कर रहा है ये पॉइंट काम नहीं कर रहा है खत्म हो गया क्रॉस लगा दिया हमने रेड से ठीक है हमने क्या किया हमने ऐसे व्हाइट से क्रॉस लगा दिया हमने कहा कि ये ग्रोइंग पॉइंट अब काम नहीं कर रहा है ठीक है दूसरा ग्रोइंग पॉइंट बना यहां है एक निश्चित समय के बाद काम बंद हो गया इसका भी ठीक है फिर दूसरा ग्रोइंग पॉइंट निकला यहां पे ये ग्रो किया ठीक है ये ग्रो किया लंबाई के बाद खत्म हो गया फिर नेक्स्ट ग्रोइंग पॉइंट निकला ये मतलब हर बार एक निश्चित समय के बाद में ग्रोइंग पॉइंट खत्म हो रहा है नया ग्रोइंग पॉइंट बन रहा है ये है सिंपोडियल ग्रोथ सिंपोडियल ग्रोथ है इसी को बोला हमने डिटर्मिनेट ग्रोथ बोला यही सिंपोडियल देखो कहने का मतलब यह है कि नॉर्मल प्लांट एनाटॉमी की बात फंडा समझे हैं तो हम हम तो बोलते हैं प्लांट ऑर्गन की ग्रोथ करने का तरीका होता है, तो है।, है इन्फ्लोसेंस के लिए डिटर्मिनेट बोल रहे प्लांट ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं मोनोपोडियल और सिंपोडियल बोल रहे केवल टर्मनोलॉजी चेंज कर दिया आप हमने मतलब दोनों का एक ही है आई बात समझ में समझो जब हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट in इंफ्लोसेंस कहते हैं इसका मतलब यह है कि हम मोनोपोडल ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं ठीक है टर्मिनल बर्ड जो है वो ग्रो करती है लगातार और हमेशा फ्लावर लेटरल होंगे फ्लावर हमेशा लेटरल होंगे और टर्मिनल फ्लावर कभी नहीं बनेगा इसका मतलब यह है कि हमेशा ये टर्मिनल बर्ड लगातार ग्रो करेगी और ओल्डेस्ट फ्लावर सबसे नीचे होगा यंगेस्ट फ्लावर सबसे ऊपर होगा ठीक है तो कहने का मतलब यह है इनडिटर्मिनेट in इंफ्लूसेंस में मोनोपोर्डियल ग्रोथ होगी और टर्मिनल बर्ड हमेशा ग्रो करती रहेगी फ्लावर हमेशा लेटरली लगेंगे यंगेस्ट फ्लावर टॉप पे होगा ओल्डेस्ट फ्लावर नीचे होगा और ये जो है यह टर्मिनल फ्लावर में कभी नहीं बनेगा ठीक है जब कहते हैं डिटर्मिनेट इंफ्लूसेंस कहते हैं सेम ग्रोथ इसका मतलब है टर्मिनल बर्ड टर्मिनल बर्ड है इस पर फ्लावर लग गया ठीक है खत्म हो गई ये बर्ड इसके बाद इससे एक ब्रांच निकली उस पर फ्लावर लग गया एक ब्रांच निकली उस पर फ्लावर लग गया एक ब्रांच निकली उस पर फ्लावर लग गया मतलब यह है कि एक निश्चित समय के बाद में टर्मिनल वर्ड जो तो है वो खत्म हो जाती है ठीक है और लगातार फ्लावर जो है वो लेटर है यहां पर यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि फ्लावर का पैटर्न आपको जो है वो एक प्रकार से डिफरेंट पैटर्न में फ्लावर दिखाई पड़ेंगे अब ये जो पूरा हिस्सा जो बनेगा ना तो सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर जो है बीचों बीच दिखाई पड़ रहा है बीचो बीच के यहां पर और यंगेस्ट आपको यहां दिखाई पड़ रहा है

अरे जिसका नाम बड़ा है वो लवाल वो लगातार बढ़ रहा होगा के? समझ लीजिए जिसका नाम बड़ा है वो लगातार बढ़ रहा होगा रेसिमोस में स्पेलिंग बड़ी है साइमोस की स्पेलिंग छोटी है रेसिमोस रेस कर रहा है लगातार आर फॉर रेस आर फॉर रेसिमोस ग्रो कर रहा है लगातार

मैं हमें हर बार आपसे कहता हूं बेटा बार बार कहता हूं कि वॉट इज स्ट्रेंथ ऑफ बायोमेंटस वी आर नॉट लाइक अदर्स की यहां पर आपको बस बता दिया बोल दिया आप समझ में आए ना आए ना बात खत्म हो गई हम यहां पर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर बात करें आप कोई बुक उठा के पढ़ लोगे हम बुक से अलग नहीं है बेटा वही पढ़ा रहे हैं लेकिन बुक में लिखा हुआ पूरी तरीके से समझना जरूरी है ठीक है कुछ अलग नहीं कर रहे हैं यहां पर हम वही कर रहे हैं जो एग्जाम में आता है लेकिन फंडामेंटल क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना क्लियर चलिए डिपेंडिंग ऑन वेदर द देट्स कन्वर्टेड इन टू ए फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो मतलब जो सिरा है वो लगातार ग्रो करता है या फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है दो तरह के इन्फॉर्मेशन देखने मिलते हैं रेसिमोज मतलब सिरा फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होगा वो लगातार ग्रो करेगा और साइमोज सिरा फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा कन्फाइंड लिमिटेड ग्रोथ करेगा वो ठीक है सबसे जो है वो टॉप पर होगा और ओल्डेस्ट फ्लॉवर नीचे होगा इसमें तो ये फंडा बेटा छोटा सा पॉइंट है तो फ्लॉवर लेटरली लगेंगे एक्रोपिडलो देखने मिलेंगे ठीक है बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटे यंगेस्ट ओवर टॉप पे होगा ठीक है टाइप इन्फ्लूसेंस है देखिए ये रेसिमोस टाइप ये पहचान लेना तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट आएगी आपकी वर्क बुक में ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दे रखी इसीलिए हमने तो ये पहचान लेना क्योंकि कारण ये है कि ये एग्जाम में आएगा बेटा इन्फ्लुसेंस और ये इस मैं कितना भी बता दूं लेकिन एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे अधिक होती है बेटा तो बाकी सभी इमेज जो हम जो देखते हैं ना वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए देखते हैं परंतु तो जो इमेज एग्जाम में आती है वो एनसीआरटी की होती है इसलिए वर्क बुक को जरूर सोल्व लगाते रहिएगा ठीक है फिर बात करते हैं साइमोज इन्फ्लूसेंस की बात करते हैं साइमोस स जो होता है इसमें मेन एक्सेस फ्लावर में टर्मिनेट करता है और लिमिटेड ग्रोथ होती है यहां पे ठीक है और फ्लावर बेसिपिटल ऑर्डर में होते हैं याद रखना तो साइमोस इन्फ्लूसेंस में फ्लावर जो होते हैं वो बेसिपिटल ऑर्डर में होते हैं मतलब यंगेस्ट फ्लावर आपको जो है नीचे पेरीफरी की ओर दिखाई पड़ेगा यहां पे आपको और जो है जो सेंटर में आपको को जो सबसे पहले बना हुआ टर्मिनल फ्लावर वो दिखाई पड़ेगा थेके? तो साइमोसा जो होता है और डेवलप होते हैं ठीक है क्लियर आप बोलोगे सर हमको अभी एक्रोपिटल और बेसिपिटल का फंडा समझ में नहीं आ रहा है चेहरा देख के मैं समझ गया हूं कि तुम्हें समझ अरे भाई सिंपल सी बात है यार यहां पर दो ये रेसिमोज और ये साइमोज के देखो फ्लावर लगा लेटरल फ्लावर लगे लेटरल फ्लावर लगे ले फ्लावर लगे ठीक है सबसे ऊपर सबसे यंगेस्ट फ्लावर के तो यंगेस्ट फ्लावर क्या है सबसे ऊपर लगा हुआ है है ना बेटा तो क्या बोल रहे हो सबसे टॉप यानी टॉप पर एक्रो मतलब टॉप सिरे पर कौन है सिरे पर यहां पर यंगेस्ट फ्लावर सिरे पर है यहां पर ठीक है ना एक्डल जबकि यहां पे क्या हुआ यहां पर ये बन गया है साइमोज इंफ्लूसेंस की बात करते हैं क्या हुआ इसमें इसमें यह हो गया कि सिरे पर यह फ्लावर बन गया ठीक है ओल्ड फ्लावर है अब नया फ्लावर बना तो बताओ जो नया फ्लावर बना वो वो सबसे पुराने फ्लावर के नीचे है कि ऊपर है अरे भाई नीचे आप ऊपर कैसे बोल सकते हो क्योंकि वो उसका ओरिजिन का पॉइंट नीचे से है ना देखो ये टॉप पर है भी, और ये क्या है? ये तो ये बेसिपिटल हो गया क्लियर ठीक है सेंस, ना बेटा देखो ये सबसे पहला फर्स्ट फ्लावर रहा होगा उसके बाद ये, बने, ये बने, तो इसके नीचे से बने ना ये इस ग्रोइंग पॉइंट तो हमने क्या बोला बेसिपिटल बोल दिया हमने क्लियर साइमोज पहचान लेना ठीक है एग्जाम में आएगा इंपॉर्टेंट है ठीक है बेटा चलिए इनडिटर्मिनेट सिंपल इन्फ्लोसेंस आर जनरली कार्ड रेसिमोस ठीक है इनडिटर्मिनेट सिंपल इन्फ्लोसेंस को सामान्यतः हम रेसिमोस कहते हैं और इनके भी कई टाइप होते हैं अब जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा आपको लिखना बस्तर इतना सारा जो लिखा है ना स्लाइड में ये सब मत लिखिएगा जो मैं बता रहा हूं वो लिखिएगा कारण ये ये है कि देखो इसके पूछे जाने की संभावना कम है पर हमको तैयार रहना है अब आप कई बच्चे बोलते हैं सर हमारा हमारा टाइम समय अरे बेटा मैं मेरा समय दे रहा हूं ये समझ ले पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह ठीक है ना और तुम हो कॉम्पिटिशन के में तो तुमको फंडा मैं बार बार इसलिए इस बैच इस को बार बार बोलना पड़ रहा है मुझे क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत गहरी बैठ गई है कि थोड़ा भी एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो कुछ गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं कर रहे हो तुम तुम कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में हो बेटा पुराने उठा के देखो 2015 16 17 सोलह के आपको समझ बात आएगी कि अरे हां पढ़ना पड़ेगा बॉस ठीक है ऐसे काम नहीं चलेगा ठीक है चलिए तो जैसे में लिखा वैसे हमने क्या लिखा हमने लिखा यहां पे जो है देखो

रेसिमोस इन्फ्लोसेंस को हम जो है वो तीन कैटेगरी में बांटते हैं रेसिमोस इन्फ्लोसेंस को हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं पहला कैटेगरी ये होता है बेटा वो होता है जिसमें कि मेन एक्सेस इलोंगेट हो गया हो यानी फ्लावर जो है उसका मेन एक्सेस इलोंगेट हो गया हो वो होता है मतलब फ्लावर का जो मेन एक्सेस है वो इलोंगेटेड रहेगा और फिर कई सारे फ्लावर लगे हुए उसमें ये होता है

Clear? फिर जिसमें मैन एक्सिस छोटा होता है बेटा वो है कॉरिम और अंबल फैमिली अंबली फेरी में अंबल टाइप का इंफ्लूस होता है ठीक है, है, क्या है, जहां फ्लेट होता है सी। उसे हम बोलते है हैं कैपिटल ऑफ इन्फ्लूसेंस कहते हैं ठीक है सुन लीजिए जहां बोलूंगा वहां नोट करना और बहुत छोटा सा नोट करना बेटा ठीक है देखो एक्सिस इलोंगेटेड है पता है हमको ऑलरेडी लिख चुके हैं दोबारा मत लिखिए ऑलरेडी लिख चुके हैं आप आपने कैटेगरी ए में लिखा ना और एलोंगेटेड वहीं लिखा हुआ रेसिम करके फ्लावर होते हैं हम जानते हैं के अंदर फ्लावर हमको हमेशा सेशन में देखने मिलेंगे हमेट के एग्जाम्पल यहां पर तो रेसिम जहां आपने जहां आपने रेसिम लिखा है ना तो वहां पर एग्जाम्पल लिख लीजिए मस्टर्ड वहां पर एग्जाम्पल लिख लीजिए मस्टर्ड ठीक है वहां पर एग्जाम्पल लिख लीजिए ये मस्टर्ड ठीक है मस्टर्ड इज दाम ये बेटा एग्जाम में आया हुआ इसलिए बता रहा हूं मस्टर्ड लिखा आपने यहां पे क्लियर ठीक है फिर आते देखो आप देख रहे हैं आप ये है रेसिम सबसे बेसिक टाइप का जो है रेसिमल हम रेसिम कहते हैं ठीक है एक यंगेस्ट एज जो है वो एक्सन प्रॉब्लम को दिखाई पड़ रहे हैं ठीक है देखिए ये रेसिम दिस इज दी रेसिम ये है रसीम पहले वाले डायग्राम में एक गलती उठा यहां पे टर्मिनल बर्ड नहीं हो सकती है इसमें ठीक है सिंपल रहेगा ये है ना इसको हटा दिया हमने यहां पे ठीक है ये है ठीक है है ना तो ये रेसिंग इन्फ्लुएंस हो गया चीके? क्लियर अब एक इस प्रकार टाइप बेटा जो रेसिम मैंने ऐसा इन्फ्लुएंस होता है थोड़ा बोलते हैं कंपाउंड रेसिम बोलते हैं मतलब एक बड़ा कॉम्प्लेक्स कौम, इन्फ्लोसन होता है जिसमें कि एक रेसिम जैसा स्ट्रक्चर में कई सारे रेसिम इन्फ्लोसन जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं पैनिकल बोलते हैं पैनिकल इज दी कंपाउंड रेसिम तो आप कहीं पे स्टार लगा लिख के पैनिकल इज बस एक लाइन कंपाउंड रेसिम पैनिकल कंपाउंड रेसिम होता है बेटा ठीक है है ना एग्जाम्पल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं लिखेंगे इसको हम यहाँ पे ठीक है ना ये जो बच्चे बेटा जो है जे आर एफ नेट या दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं वो उनको सब याद रखना है एग्जाम्पल के जो नीट के लिए पढ़ रहे हैं वो एग्जाम्पल क्योंकि अभी जिपमर नहीं होता है तो आप एग्जाम्पल छोड़ सकते हैं ये वाले ठके? एम्स नहीं होता है तो भी छोड़ सकते हैं आपके तो अभी जो है वो आपके जो है केवल नीट एग्जाम होता है तो वहां पर जो है चांसेस कम है इसके लेकिन आपको पता होना चाहिए मैच कॉलम के लिए क्लियर देखो

रेसिम के देखो ये रेसिम है इसके फ्लावर में यहां पर स्टॉक है स्टॉक है और ये है स्पाइक, फ्लावर में स्टॉक नहीं है दैट इज दी डिफरेंस ठीक है सरसाइल फ्लावर होते हैं आई बात समझ में ठीक है स्पाइक में भी मैनेक्स इलामेटेड है सरसाइल फ्लावर होते हैं तो आपने जहां पे स्पाइक लिखा था ना आपने चार्ट में कैटेगरी ए में स्पाइक के आगे एरो के सेसाइल फ्लावर फ्लावर में आधार बंत नहीं होता है और एग्जाम्पल लिखिए इसका अमरान्थस एग्जाम्पल है अमरान्थस ठीक है ठीक है और फिर स्टार लगा के लिखिए कलर्ड पेन से स्टार लगा के वेरी वेरी आई एम पी स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स एग्जाम्पल विहिट गेहूं गेहूं का इंफ्लूसेंस क्या होता है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट होता है ये हमको एग्जाम के लिए याद रखना है बेटा प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है क्लियर फंडा क्लियर चलिए तो देखो आप है ना अब इसमें क्या देख रहे हो आप इसमें देख रहे हो कि फ्लावर जो है साइल फ्लावर है सीधा जो है वो मैन एक्सेस जो सीधा जो है फ्लावर एक्सेस पे वो जुड़े होते हैं ठीक है है ना तो आपने क्या लिखा आपने लिखा स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहां देखने मिला आपको वो वीट के अंदर आपको देखने मिलता है बस इतना सा पॉइंट आपने नोट किया बाकी सारे पॉइंट आपके लिए नीट के लिए नहीं है बेटा बताया ना आपको के अभी को लगातार खबर मिल रही है लगातार बच्चे बता रहे हैं कि सर आप जो है वो हमारे तो ये केवल नीट के मैक्सिमम नाइनटी नाइन परसेंट बच्चे नीट के ही हैं एक परसेंट ऐसे भी है जो नीट के नहीं है ठीक है ना अभी आई जो है एस का एग्जाम हुआ है उसमें भी ये काफ़ी बच्चे जो जैसे बायोमेट्रिक्स का सिलेक्ट हुए और स्टेट पी का एग्जाम हुआ इसमें जो है वो जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर का वहां भी सिलेक्ट हुए तो मतलब ये है कि कमांडोस कैन बी एनी के तो जैसे होता ना कि बहुत सारे कमांडोस अलग अलग के अलग अलग फील्ड में लास्ट ईयर जो है एक, एक जो है वो आ, एक पर्सन है उन्होंने जो है वो असिस्टेंट का प्रोफेसर का एग्ज़ाम था उसमें टॉप किया था उन्होंने के पूरे स्टेट में उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में टॉप किया उन्होंने और एम पी स्टेट में टॉप किया ऑल ओवर इंडिया में भी टॉप किया उन्होंने के और उन्होंने बायोमेट्रस का बकायदा नाम लिया उन्होंने कि हमने बायोमेट्रस से बायोलॉजी पढ़ा के तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए के अब जबकि मतलब ये उनका बड़प्पन है कि वो मुझे अपना मुझे मेरे लिए आ, ये बातें कह देते हैं वो मेरे को मेरे को उतना सम्मान देते हैं कि उनका बड़प्पन है उनकी अच्छी आ, संस्कार है उनके उसका परिणाम है बाकी मैं तो आम आदमी हूँ तो वही पढ़ाता हूँ जो जो कोर्स में लिखा होता है मैं वही बताना बतलाता हूँ जो मुझे बताना चाहिए जो बायोलॉजी के बेसिक फंडे को क्लियर करें वही तो बताता हूँ और कौन चमत्कार थोड़ी ना करता हूं ये उन बच्चों की कैपेबिलिटी है जो कर गुजरते हैं ये उनका साहस है ठीक है याद रखिए अर्जुन ज्यादा इंपॉर्टेंट है द्रोणाचार्य को याद रखने के लिए मैं मैं नहीं हूं मैं आपसे हूं ठीक है मेरे अंदर कभी अहंकार नहीं आएगा इस चीज का मैं हमेशा जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही बना हूं और आपके लिए ही बना हूं और आपने ही मुझे बनाया है ठीक है और मुझे आपसे प्रणाम चाहिए ये जो पढ़ाते हैं ना उसमें अपना खून पसीना लगा के मेहनत करते हैं एफर्ट करते हैं ना इसकी कीमत है इसकी और वो गुरदक्षिणा है आपका सिलेक्शन समझ गए बेटा तो आपको देना है चलिए अभी कुछ दिन पहले मुझे एक जम्मू कश्मीर से एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया उसने लिखा सर उसने मुझे फ़ोन भी किया होगा मैं फ़ोन उठा नहीं पाया उसने मैसेज किया उसने कहा सर मैंने आप मैं, मैंने आपको आपकी गुरुदक्षिणा दे दी है अपना बकायदा अलॉटमेंट लेटर सब कुछ नंबर मार्क्स सब भेजा उसने मुझे फिर देन आई कॉल बैक मैंने उससे कॉल भी किया बात भी की मैंने उससे बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है मैंने उसकी मम्मी अ, अम्मी से बात की मैंने उनके उनकी अम्मी बहुत खुश बहुत खुश कि बोली हमारे पूरे गांव में पूरे एरिया में कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं बना बनाया पे कोई लड़की तो है ही नहीं इस एरिया में डॉक्टर के मेरी बेटी बनने वाली है मैंने कहा उनसे ये सिर्फ आपके आशीर्वाद का परिणाम है वो बोली कि आपने पढ़ा नहीं मैंने कहा मैं क्या जो जिन हालात में कश्मीर गुजरात जिन हालात से जो है आपकी बच्ची सफलता पाई है उसने जिस प्रकार से कोशिश किया उसने बहुत बड़ी बात है उन्होंने इंटरनेट लगा अरेंज किया किसे के, लग किसी फाइबर केबल लगवाया किसी तरीके से उन्होंने वो बच्ची की पढ़ाई का प्रबंध किया लेकिन बहुत खुशी हुई दिल से खुशी हुई मुझे हुई बच्चों के सिलेक्शन की ठीक है तो ऐसे फोन जो है आपकी तरफ से भी मेरे पास आना चाहिए मैसेज ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखो अब हमने स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट की बात की हमने स्पाइक इन्फ, में क्या था करता है पर फ्लावर में ससाइल फ्लावर था फ्लावर में पेडिसल नहीं होता है ठीक है देखिए गेहूं का इंफ्लुएंस हम सब ने देखा हुआ बेटा हम सब ने ये देखा हुआ है ठीक है क्लियर ये क्या है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट इंफ्लुसेंस को ये शो कर रहा होता है ठीक है

पेलिया और लेमा दीज टर्म्स आर कनेक्टेड विद दी स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट स्पाइकुलट ये दिमाग में रखिएगा ठीक है थीके? फिर कैटकिन जहां पे आपने कैटकिन लिखा था वहां पे एरो पेंडुलम समान होता है पेंडुलम लाइक पेंडुलम लाइक एग्जाम्पल लिख लीजिए मलबरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में आया हुआ है कई बार एग्जाम में आया हुआ क्या क्स इंगेटेड अरे भाई कैटेगरी ए के अंदर है, है स्पेशल टाइप, इस टाइप का स्पाइक होता है तो इसका मतलब क्या अरे, फ्लावर ससाइल होगा. फ्लावर में नहीं होगा तभी तो बोला हमने स्पेशल टाइप ऑफ स्पाइक बोला जो पेंडुलम के समान दिखाई पड़ता है लटका हुआ ऐसा दिखाई पड़ता है और इसे बोलते हैं है, और हमको यह देखने मिलता है है मलबरी में हमको यह देखने मिलता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पता है आपको एक फंडा और बता, एक चीज छोटी बताता हूं मलबरी प्लांट की जो लीफ होती है ना इनको खाता है रेशम का कीड़ा ठीक है ना बॉम्बेक्स मोरी रेशम के की कीड़े का नाम क्या होता है बॉम्बेक्स मोरी ठीक है और इसकी

क्लियर एनसीआरटी में नहीं है बेटा मैं बता रहा हूं बार बार लेकिन मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए मैं आपको यह पॉइंट बता रहा हूं ठीक है ना देखो है ना यह है पेंडुलम के सामान दिखाई पर आपको दिस इज दैटकिन इन्फ्लुएंस फिर आते हैं स्पेडिक्स ठीक है तो स्पैडिक्स जो होता है बेटा यहां पे जहां आपने लिखा था ना आपने टेबल बनाया था मैन एक्सेस इलाटेड कैटेगरी में तो हमने रेसिम देखा स्पाइक देखा कैटकिन देखा और हम देख रहे हैं हैं आप देख रहे हम हाँ? इस लिखेंगे इसमें हम हाँ? फ्लैशी मासल होता है फूला हुआ है फ्लैशी एक्सिस ठीक है इसफे प्रेजेंट अब ये क्या होते हैं ये बड़े ब्रकट मतलब होता है लार्ज ब्रेक्ट लार्ज ब्रेक्ट होते है, बड़े के ब्रेक्ट को हम इस हैं बड़े है, और इसका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल स्पेडिक्स फ्लैशी है, जो एक्सेस होता है देखो नॉर्मली हम कैसे बनाते हैं एक्सेस है ठीक है ये नॉर्मल एक्सेसिंग फ्लैशी बोला मतलब ऐसा फैला हुआ है एक्सेस होगा इसका

ये क्या कौन सा इन्फ्लुएंस बेटा ये ये स्पैडिक्स इन्फ्लुएंस है क्लियर और ये क्या है ये हो गया स्फेट लार्ज ब्रैक ठीक है ना ठीक है ना ये क्या होगा ये हो गया फ्लैसी एक्सेस का ये फ्लैसी एक्सेस दिखाई पड़ रहा है इसका ठीक है है ना तो स्पैडिक्स जो होता है तो सिंपल तो कहां देखने मिलता है इसका एग्जांपल क्या बनाना के बनाना

तो अब आप आपके पास आपने लिस्ट में कॉरिम लिखा हुआ है एक वो, आगे एरो लिखेगा के ऑल फ्लावर्स आर एट दिस सेम लेवल के सभी फ्लावर एक लेवल पर होते जैसे कि मैंने कहा और मैंने सबसे छोटा है यहां पे ठीक है अब फ्लावर लग रहे हैं इसके ऊपर ये सारे फ्लावर जो है आपको एक लेवल पर जो है वो हमको दिखाई पड़ रहे हैं यहां पे ठीक है ना क्लियर ठीक है बेटा एग्जाम्पल लिखेंगे इसका हम चेरी चेरी कैंडीटफ्ट दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए चेरी एंड कैंडीटफ्ट ठीक है ना

पहले वाले डायग्राम में इस डायग्राम में छोटी सी एक मिस्टेक हम करेक्ट करेंगे बेटा जैसे हमने कहा था कि दिस इज़ मैं एक्स मैंने आपसे कहा कि मै नेक्स्ट छोटा मैंने आपसे कहा मैं से छोटा है यहां भी छोटा है यहां भी छोटा है ठीक है ना कॉरिम में सारे फ्लावर जो है वो एक लेवल पर होते हैं ठीक है मैंने कहा सारे फ्लावर एक लेवल पर होते हैं ठीक है है ये हो गया यहां पर इंडिविजुअल फ्लावर का अलग-अलग ग्रोइंग पॉइंट जबकि जब हम बोलते हैं अंबल बोलते हैं अंबेल बोलते हैं तो क्या क्या हमने कहा कि ये अंबेल में क्या होता अंबेल में एक कॉमन ग्रोइंग पॉइंट से फ्लावर निकलते हैं ठीक है तो जो डायग्राम बनाया था वो एक्चुअली वो अंबेल का था ठीक है ठीक है बेटा है ना ठीक है मतलब यहां पर फ्लावर के पेडिसल इक्वल लेंथ के होते हैं और हमें क्या दिखाई पड़ता है हमें दिखाई पड़ता है कि फ्लावर जो है कॉमन पॉइंट से निकल रहा है, है केवल के 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 बेटा आपको कुछ गिनती वर्ड याद आपको फैमिली अम्बली फरी का इन्फ्लोस अम्बेल होता है और इसमें मैने से शॉर्ट होता है और फ्लावर जो है कॉमन पॉइंट से निकलते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं ठीक है देखिए है ना ये फैमिली अंबलीफेरी का हम देख रहे हैं जो इन्फ्लोसेंस हमको दिखाई पड़ रहा है अंबेल इन्फ्लोसेंस है ठीक है देख रहे हैं दिस इज द अंबेल इन्फ्लोसेंस क्लियर करैक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली अंबलीफेरी क्लियर चलिए कंपाउंड अंबेल हमको कोरिएंडर में देखने मिलता है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पर दिमाग में रखिएगा ठीक है कंपाउंड जो एक कंपाउंड जो है वो अंबेल हमको दिखाई पड़ रहा है देखो बेटा ना? है ना देख रहे आप ये सिंपल सिंपल अंबेल हो गया ये, और ये हो गया है कंपाउंड अंबेल आपको दिखाई पड़ रहा है ठीक है है ना? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में देखो अभी जो पढ़ रहे हैं आप ये सब प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हैं बेटा हम ताकि हमको वो क्वेश्चन के बने और हम कर पाए उनको हम मैंने कहा ना इसके बावजूद इसके बावजूद इन्फ्लुसेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आपको एम बुक में ऐसे मिलेंगे जो नहीं बनेंगे और उनकी बिल्कुल चिंता मत करना जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट था सबसे इंपॉर्टेंट उसका जो 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 अपना समझ लीजिए जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेंट्रेट था वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे ठीक है इसके बाहर नहीं जाना है मैं कह रहा हूं आपसे इसके बाहर मत जाइए जो बता रहा हूं बस उतना ही उतना ही लिमिट है हमारा वहीं तक हमको जाना है वहीं तक हमें दिमाग में रखना है इट इज लाइक तो लिखिएगा डिस्कलाइक फ्लेट मैन एक्सिस डिस्क के समान शक्ति के समान है डिस्क के समान सपाट या फ्लैट मुख्य अक्ष होता है सेसाइल फ्लावर्स फ्लावर में आधार बनता है पेडिसल नहीं होता है फिर कॉमल लिखिएगा हॉर्ल ऑफ ब्रैक्ट ब्रैक्ट का रिंग ब्रैकेट में इनवॉल्यूकर प्रेजेंट हॉर्ल ऑफ ब्रैक्ट ब्रैक्ट का रिंग इन वॉल्यूकर पाया जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कलर्ड पेन से लिखेगा

तो ये हेड या कैपिटल ऑफ हेड हैड कैपिटल ऑफ इन्फ्लुसेंस ठीक है बेटा पक्का चलिए कैसा लगा आपको सनफ्लावर का है? आपको बता दू मैं ये फोटोग्राफ मैंने लिया ठीक है मतलब ऐसा ऐसा नहीं है आई एम ए गुड फोटोग्राफर ऑल्सो मैं अच्छे फोटोज भी ले लेता हूं ठीक है तो देखिए ध्यान से ये कहा लिया आप पूछोगे कहा ये मैंने लिया साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में गया था हम्पी हम्पी हम घूमने हम हम गए थे रास्ते में उनको सनफ्लावर के खेत दिखाई पड़े हम लोग जो है वो का, कार्स में थे तो उतरे वहां पर और वहां पे हमने फिर कुछ फोटोग्राफ लिया आप देखिए कितना सुंदर था मैंने केवल फिल्मों में देखा था ऐसा नजारा असल में इतना सुंदर था कि मतलब आई कैनॉट इवन आई कैनॉट एक्सप्रेस दिस की कितना सुंदर जगह ये रहा होगा देखिए ये

ठीक है आप बोलोगे सर आप गूगल से फोटो लेके झूठ भी तो बोल सकते हो है ना नहीं झूठ बोला हमने समझ गए बात को ठीक है हमने हमने झूठ नहीं बोला बिल्कुल सच्ची सच्ची बोला सच सच बोला हमने ठीक है अब तो सही अब आप बोलोगे सर फोटोशॉप कर दिया था अब मैं क्या करूं भाई इसके अलावा के आजकल सब चीजें पॉसिबल है बट दिस इज ए रियल फोटोग्राफ जो मैंने लिया है अपने कैमरे से ठीक है चलिए तो हेड हैडिया कैपिटलम इंफ्लूसेंस कहां देखने मिलता है सनफ्लावर में देखने मिलता है और मेरी में देखने, देखने है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एक। वेरी वेरी आई एम पी सन क्वेश्चन एग्जाम का है सनफ्लावर इज नॉट ए फ्लावर इट इज एन इंफ्लूसेंस सनफ्लावर एक फ्लावर नहीं होता है ये एक इन्फ्लूसेंस या पुष्प क्रम होता है भूलने का नहीं याद रखना बेटा समझ गए ना ठीक है देखिए हेड या कैपिटल इंफ्लूसेंस को देख रहे हैं आप जो दिखाई पड़ रहे हैं वो सेसाइल फ्लावर दिखाई पड़ रहे हैं जो गोले दिख रहे हैं ना ना वो फ्लावर है बेटा और डिस्क के समान इसका होता है फ्लैट क्लियर देखिए है ना हेड या क्लियर तो इंडिविजुअल फ्लावर जो होता है हेड में उसे हम फ्लोरेट कहते हैं बेटा जो पेरिफेरी में होता है वो रे फ्लोरेट है बीच में होता है वो डिस्क फ्लोरेट है और हम ऐसा मानते हैं कि हेड है या कैपिटल इन्फ्लोसेंस का जो ओरिजिन है वो कॉरिम्बिया

क्योंकि इतने छोटे छोटे फ्लावर होते हैं कि एक सिंगल फ्लावर के जब एक सिंगल एजेंट इंसेक्ट वहां आता है वो कई फ्लावर को पॉलिनेट कर देता है ठीक है चलिए तो ये तो बात खत्म की हमने 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 के ऊपर बेटा तो आज आज क्या देखा बेसिकली रेसिमो चाहूं तो मैं साइमोज और दस पंद्रह मिनट करके बताया था लेकिन प्रॉब्लम यह होता कि फिर हमारी किन्फॉर्मेशन मिक्स हो जाती थी तके. तो आज हमने क्या देखा हमने देखा आज कि ऐसे इन्फ्लूसेंस जिनमें इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है मोनोपोर्डियल ग्रोथ होती है जिन में। उन्हें हमने रेसिमोज इन्फ्लोसेंस कहाल ग्रोथ को शो करते हैं इनडिटर शो करते हैं तीन कैटेगरी में बांटा इनको हमने मेन एक्सिस इलांगेटेड मेन एक्सिस शॉर्ट और मेन एक्सिस मेन एक्सिस इलागेटेड में क्या देखा हमने रेसिम को देखा हमने स्पाइक को देखा हमने कैटकिन को देखा हमने स्पेटिक्स को देखा हमने मेन एक्सिस शॉर्ट में क्या देखा कोरिम्ब को देखा हमने अंबल को देखा हमने और मेन एक्सिस फ्लेट में क्या देखा

ठीक फिर हमने जो इसके बाद क्या देखा हेड कैपिटल की बात की हमने पे तो छोटी छुट छोटी बातें बेटा दो चार बार अपने आप को रिकॉल कर लेंगे ना याद हो जाएगा ठीक है और मोस्टली 90 परसेंट क्वेश्चन यहीं से आता है बेटा ठीक है तो क्योंकि जो एनसेट में लिखा वो तो बहुत लिमिटेड रसीमेज और साइमोस क्या है बस इतना ही लिखा उसमें लेकिन उस पर काम नहीं बनेगा आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखना पड़ेगा ठीक है ना

to become an official commando of Biomentors. Join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a Mentors Online app from Google Play Store.